से बात कर ले, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे। हम लोग को अपने लिए जस्टिस चाहिए, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग उसने अच्छा नंबर लाया, वो उसको अच्छा कॉलेज मिला, अब वो अचानक नाम कॉलेज से हट गया, तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं? अगर ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक राजा की तरह, एक किंग की तरह रूल कर रहा है, और हम लोग एज अ स्टूडेंट इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, उन लोग को लागू करना चाहिए, हम लोग पे लागू किया, एक साल जो हम लोग कॉलेज में किए, हम ट्यूशन से कैसे जा सकते, जांच कैसे कर सकते, बच्चे लोगों पे अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसी और चीज के लिए तो नहीं लड़ रहे। हम सदन देख रहे हैं, न्यूज़ 20 पर, हम जदयू के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, जितने भी ये विद्यार्थी आए हुए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार की सियासत से कि यहाँ जदयू के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर यहाँ पर चल रहा है। देखिए एक लड़की क्या कुछ, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे। हम लोग को अपने लिए जस्टिस चाहिए, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लाठी चार्ज किया गया है। आप हमारे अभी पुलिस ने खदेड़ा है, बहुत बड़ी खबर है कि लाठी चार्ज किया गया है, और यहाँ पे इस वक्त की बड़ी खबर है कि लाठी चार्ज किया गया है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया है। हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे, किस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्या है, क्या क्या है, क्या चीज़ का दिक्कत। इसी बात से है कि जो स्टूडेंट नाम काट दिया, जो स्टूडेंट टेंथ में अच्छा नंबर लाया वो उसको अच्छा कॉलेज मिला, अब वो अचानक नाम कॉलेज से हट गया, तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं? अगर ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक राजा की तरह, एक किंग की तरह रूल कर रहा है, और हम लोग एज अ स्टूडेंट इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने साफ तौर पर सुना, हमारे साथ कुछ ये टेंथ के विद्यार्थी थे और ये लोग जो है यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे जदयू के कार्यालय के ठीक बाहर, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें खदेड़ा है। किस तरीके से आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर ये लोग पुलिस ने खदेड़ा है। बड़ी खबर है, लाठीचार्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, और ये टेंथ के बच्चे हैं, और इन्होंने बताया कि एडमिशन के कारण से हमें अच्छे कॉलेज मिलना चाहिए, हमें कॉलेज नहीं मिला है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे जदयू के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर, और इनका कहना था कि हम लोगों का अच्छा नंबर आने के बाद हमको कॉलेज अच्छा नहीं मिला। लेकिन अभी इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किए बिहार पुलिस ने, इस वक्त की बड़ी खबर है जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर। ये लोग देखिए, हम अभी आपको साफ तौर पर देख सकते हैं जदयू कार्यालय से प्रदर्शन करते करते हुए, और आज जो है राजद कार्यालय के बाहर आ गए और यहाँ पे आए हो। बताइए क्या बात है, क्या बात है, किस लिए आई हुई आप? नया रूल आया, उसको हटाने, उसको हम लोग पे लागू ना करके, जो नया बैच है उन लोग को लागू करना चाहिए, हम लोग पे लागू किया, एक साल जो हम लोग कॉलेज में किए, हम ट्यूशन से हमें कैसे जा सकते, जांच कैसे कर सकते, बच्चे लोगों पे अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसी और चीज के लिए तो नहीं लड़ रहे। हम लोग को न्याय चाहिए तो चाहिए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग टेंथ के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। अब जदयू कार्यालय से ठीक बाहर और आरजेडी के कार्यालय, ये लोग नए जो नियम है उसको लेकर ये लोग आए हुए हैं। किस तरीके से देख सकते हैं, नो जस्टिस नो प्लेस, हैशटैग्स वी वांट जस्टिस, तरीके के ये लोग यहाँ पे भीड़ कर रहे हैं, भीड़ उमड़ी हुई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है यहाँ पे, ये लोग नए जो नियम लाए गए हैं उसको लेकर है यहाँ पे, किस तरीके से भीड़ है आप देख सकते हैं, किस तरीके से भीड़ है। आप यहाँ पर आरजेडी के कार्यालय के ठीक बाहर है, यहाँ पे गेट देखिए, गेट में ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र छात्राएं यहाँ पे ये लोग, और कुछ छात्रा को पकड़ा गया था लेकिन ये लोग उनसे छूटे, और देखिए किस तरीके से वहाँ लड़कियाँ चिल्ला रही है और बड़ी भीड़ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नए नियम को लेकर क्या है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है नए नियम को लेकर। जदयू में प्रदर्शन किया गया था, अब आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से अब जो है आगे की ओर ये लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से, और ये लोग जस्टिस मांग रहे हैं कि नए नियम जो हम लोगों के ऊपर लागू नहीं होने चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 20 पर। मैं सुनील पिंटू के साथ, मैं संजय पटना।